ये वो जगह है जहाँ मैंने अपना ज़्यादातर बचपन गुजारा है। इस पार्क के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो चलिए आज आपको हम लोग घुमाते हैं बिजनौर का इंदिरा पार्क। तो यहाँ मैं बचपन में बहुत ज़्यादा आया करता था, सबके साथ खेलता था, घूमता था, फिरता था। मतलब हम लोग यहाँ से वापस जाने का नाम ही नहीं लेते थे। तो आज मैं आपके साथ अपनी ये यादें शेयर कर रहा हूँ, तो एयरफोन लगा के बैठ जाइए। तो सफ़र शुरू करते हैं इंदिरा पार्क का। तो बिजनौर के कुछ हसीन सड़कों से आपको ले जाते हुए हम पहुंचेंगे इंदिरा पार्क। तो आपका स्वागत है इंदिरा पार्क में, और इस मैदान से मेरी बहुत सारी मेमोरीज हुई है। यहाँ पर हम लोग इतना खेलते थे कि मैं आपको बता नहीं सकता कि वो मेमोरीज मेरे लिए कितनी प्यारी है। आप देख सकते हो मुझे कितना खुश हूँ मैं। यही चीज़ होती है इंसान को जो ज़िंदगी में खुश रखती है, जो आपके बचपन की यादें हैं जब आप उन्हें काफ़ी साल के बाद रिवाइंड करते हो तो कुछ ऐसी फीलिंग आती है। तो ये वाला जो झूला है ना, इस पर मतलब बचपन में ये रिकॉर्ड आता था कौन कितनी जल्दी चढ़ेगा, और मतलब हम लोग ना उल्टे होकर फिर वापस यहाँ से ऐसे स्लाइड करते थे, देन फिर वापस चढ़ जाते थे ऊपर। तो ये मैंने बहुत किया है यहाँ, एंड अभी यार रोड के बिल्कुल पास हूँ तो नॉइज़ ज़्यादा आएगी, बट आगे में जो मेमोरीज है ना यहाँ की वो अनफॉर्गेटेबल है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत टाइम से सोच के रखी थी। तो ये पूरी वीडियो मैं अपना आईफोन से शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसका कैमरे क्वालिटी भी टेस्ट करना था और कुछ फ़ोन से भी निकालना था, क्योंकि काफ़ी लोग
कैमरे को लेके बोलता है, बट ये कैमरे से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है यूज़ करने के लिए, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। मतलब इस पर झूल गया ना, मेमोरी रिवाइंड हो गई बहुत। छोड़ा भी वीडियो शूट करते नहीं तो मैं खो जाऊँगा यार। स्केटिंग का शौक था काफ़ी, मतलब बचपन मैंने स्केटिंग काफ़ी की है, तो मैं यहाँ आके स्केटिंग किया करता था, क्योंकि ना तो हमारी गलियाँ इतनी अच्छी होती थी और घर में इतनी जगह नहीं होती थी, करते तो फिर प्रॉब्लम पड़ती थी, तो हम लोग यहाँ आते थे स्केटिंग चलाने। और मतलब मैं ज़्यादा नहीं आया यहाँ, स्केटिंग तो मैंने बहुत कम चलाई है, बट हाँ टाइम बहुत स्पेंड किया है इस पार्क में, बहुत ज़्यादा मतलब मेमोरीज जुड़ी हुई है बचपन की यहाँ से। तो आई होप कि आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रही होगी। फिलहाल सांस फूल चुका है चलते चलते, क्योंकि भाग भाग के शॉट ले रहा हूँ, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आज, सुकून एकदम, मतलब सुकून वाली वाइब है। अगर मैं बोलना बंद करूँ तो आप देखो यहाँ की आवाज़, मतलब नेचर की आवाज़ सुनो आप। सो गाइस फाइनली ये वीडियो हो गई रेडी, और मैं इसका एंड करना ही भूल गया था मतलब। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर ज़रूर करके जाना वीडियो को, और बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको, थोड़ी सी इस तरह की वीडियो और चाहिए मतलब सिनेमैटिक स्टोरी वाली, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी नॉर्मल व्लॉग्स जो है वो आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से मतलब व्लॉग नहीं डाल पा रहा, इतना ज़्यादा बिजी हो गया था मैं कि मुझे मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था व्लॉग्स डालने के लिए। सो आई होप आपको पसंद आया हो, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो यार सब लोग, ठीक है, और मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और इस तरीके का वीडियो और चाहिए तो मेरे को बताओ, मैं और वीडियो भी लाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो इससे भी ऑसम आने वाली है। सो मगर वो ब्लॉग होगा, ठीक है, नॉर्मल ब्लॉग जैसा मैं हर बार करता हूँ, ठीक है, ये थोड़ी स्पेशल थी वीडियो मेरे लिए। तो बस गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।